स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट, जो कि टर्म 2 में इस चैप्टर से आपसे एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे भी पहले, अगर आप हमारे चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देर ना करके हम बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। देन सेकेंड वन है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन, कॉजेज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, और लास्ट वन फर्स्ट एड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। तो यहाँ पे टू और थर्ड पॉइंट जो आप देख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके चैप्टर से, जिससे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाने हर ईयर, एवरी ईयर आपको बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स वर्क। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिजियोलॉजी जो है स्टूडेंट, वो हमें बताता है कि कैसे हमारी बॉडी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उसकी स्टडी करना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। देन स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड कंडीशन ऑन एथलीट। तो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी जस्ट इसी का आप कह सकते हैं स्टूडेंट, कि जब हम स्पोर्ट्स में, यानी कि ह्यूमन लिविंग के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो फंक्शन है, वो स्पोर्ट्स में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उनका स्पोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस पे, या वो जो टारगेट गोल अचीव करना चाहता है प्लेयर, उस पर तो उस पर जब हम उसको लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कराते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हार्ट, लंग्स, वो कैसे इफेक्टिव होते हैं, उनकी कैसी परफॉर्मेंस बढ़ती है, उसकी स्टडी जब हम करते हैं, तो उसको हम स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी कहते हैं। देन थर्ड वन है इसमें स्टूडेंट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी रिएक्ट्स टू फिजिकल एक्सरसाइज इन बोथ द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म, एंड हाउ द बॉडी अडॉप्ट्स टू ऑनगोइंग। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जब हम वेरियस तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हार्ट, लंग्स, ये इन सब में कैसे चेंजेस आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसे चेंज होती है, कैसे वो उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स पे, इसकी जब हम स्टडी करते हैं, उनकी फंक्शंस कैसे चेंज हो रहे हैं थ्रू एक्सरसाइजेस, तो उसे हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट वन स्टूडेंट, 8.2 जो है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे फिजिकल फिटनेस को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फर्स्ट वन, जैसा कि हम लोगों ने कहा, स्ट्रेंथ, एग्जर्ट फोर्स, देन इंडोरेंस टू रेजिस्ट फटीग, फ्लेक्सिबिलिटी टू रेंज ऑफ मूवमेंट, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, यानी कि ऑटोमेटाइज होना, एक दूसरे का जैसे हैंड्स और माउथ का कोऑर्डिनेट हो जाना, कि अंधेरे में भी आप हाथ से कुछ खाने की चीज़ें उठाओगे तो माउथ की तरफ जाएगा बिना देखे। देन स्पीड, लेजर टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस को गेन करना। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारी फिजिकल फिटनेस के, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होते हैं, इन पे फिजियोलॉजिकल फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट। देन अब हम इसको डीप में बात करें, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को
प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट वन है स्टूडेंट मसल साइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन क्या है, मसल्स साइज। तो जो हमारी मसल्स का साइज है, स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मसल्स। तो जो हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो डिपेंड करती है कि मसल्स का साइज कैसा है, शेप कैसा है। फोर्स प्रोड्यूस बाय सेम साइज ऑफ मसल्स इन मेल्स एंड फीमेल्स इज अप्रोक्सीमेटली सेम। तो यहाँ पे जो होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जो सेम साइज की मसल्स होगी वो मेल और फीमेल में सेम फोर्स जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है। कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग। तो उसे हम ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव करते हैं। जैसा कि एग्जांपल पे तौर पे आप देखते हो, कभी कभी फीमेल एथलीट मेल से अच्छा परफॉर्म करती है। वो कैसे पॉसिबल हो सकता, वो सिर्फ पॉसिबल होता है उसकी ट्रेनिंग से, उसकी परफॉर्मेंस से। देन नेक्स्ट वन है बॉडी वेट। बॉडी वेट की बात करें स्टूडेंट, इंडिविजुअल हु आर हैवियर और स्ट्रॉन्गर देन द लाइट वेट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ये भी इफेक्ट करेगा आपका कि बॉडी वेट कितना है। सपोज अगर किसी का बॉडी वेट कम है स्टूडेंट, तो वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, और उसके जितने भी एथलीट्स देखेंगे अच्छे एथलीट्स के, तो उनको आप देखेंगे कि उनका बॉडी वेट बहुत कम होता है। और कम होने के साथ जब बॉडी वेट कम होता है, तो वो इजली स्प्रिंटर बहुत अच्छे होते हैं या उनकी रनिंग बहुत अच्छी होती है। तो बॉडी वेट भी आपकी स्ट्रेंथ को, यानी कि जितना बॉडी वेट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ एनर्जी कंजप्शन करेगा, एनर्जी कंजप्शन करेगा तो जल्दी वो थकेगा। तो इस तरीके से बॉडी वेट भी आपकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट वन है मसल कंपोजिशन। मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज ऑफ वाइट मसल्स एंड रेड मसल्स फाइबर। तो स्टूडेंट जैसा हम सभी जानते हैं कि वो अब आपकी बॉडी में किसके नंबर ऑफ काउंट्स, WBC या RBC, रेड ब्लड मसल, रेड मसल्स फाइबर जो है, रेड ब्लड सेल्स, वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबी रनिंग के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। देन वाइट ब्लड सेल्स जो हैं WBC, वो स्पीड वर्क करने के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो नंबर ऑफ मसल्स फाइबर कौन से आपकी बॉडी में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, रेड या वाइट, तो वो भी आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को प्रभावित करते हैं। द परसेंटेज ऑफ दीज मसल्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड कैन नॉट बी चेंज थ्रू ट्रेनिंग। तो इसको हम ट्रेनिंग के थ्रू चेंज नहीं कर सकते इसको। ये ऑलरेडी कहते हैं ना कि जैसे जेनेटिक होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से आपको मिला हुआ होता है। तो अगर आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं, WBC ज़्यादा हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, जो भी स्पीड वर्क करने के लिए आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एलिजिबल होगी, सुटेबल होगी। रेड मसल्स फाइबर ज़्यादा हैं काउंटिंग में, तो आपकी बॉडी जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क के लिए बहुत बेटर होगी, जैसे मैराथन रेस। देन नेक्स्ट वन स्टूडेंट जो है इसमें, वो है आपका नर्व इम्पल्स। स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स डिटरमाइन स्ट्रेंथ कैन नॉट बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग। तो आपका जो रिएक्शन टाइम है, जो न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का, जो नर्व्स है, वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, किस स्पीड में, यानी कि कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रही हैं, ये भी आपकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, जिसको हम ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन बात करें स्टूडेंट हम इसमें, तो वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। तो कौन कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी स्पीड को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन है उसमें मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इज डिटरमाइंड बाय एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स। तो यहाँ पे जो कितना मूवेबल है, मूवेबिलिटी कैसी, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मसल्स को, और नर्वस सिस्टम कैसे उसे कंट्रोल कर रहा है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, संकुचन को, वही वो भी आपकी स्पीड को प्रभावित करता है। देन नेक्स्ट वन है स्टूडेंट मसल कंपोजिशन। द परसेंटेज ऑफ वाइट मसल्स एंड रेड मसल्स फाइबर इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड कैन नॉट बी चेंज थ्रू ट्रेनिंग। तो वंस अगेन
जो मसल्स का कंपोजिशन है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में ज़्यादा है या वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा है, इसके परसेंटेज जो है वो भी आपकी स्पीड को इफेक्ट करेंगे। जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया स्टूडेंट, अगर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ काउंट्स आपकी बॉडी में वाइट फाइबर्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो इट मीन्स आप स्पीडी वर्क बहुत अच्छे से, यानी कि अच्छी स्पीड के साथ स्प्रिंट रेसेस के लिए बहुत बेटर प्लेयर बन सकते हैं। द नेक्स्ट वन, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, यानी कि विस्फोटक स्ट्रेंथ क्या है, डिपेंड्स ऑन मसल्स कंपोजिशन, मसल साइज, मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। एक्सेप्ट मसल्स कंपोजिशन इज द अदर फैक्टर्स कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है वंस अगेन मसल्स के साइज पे, मसल्स के कोऑर्डिनेशन पे एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है उसका इस पे। तो मसल्स कंपोजिशन जो है स्टूडेंट वंस अगेन एक फैक्टर है जो आपकी स्पीड को, यानी कि विस्फोटक स्ट्रेंथ को जो है उसकी, उससे प्रभावित होती है आपकी स्पीड। नेक्स्ट वन स्टूडेंट इसमें है फोर्थ वन जो आपकी स्पीड को प्रभावित करेगा, वो है फ्लेक्सिबिलिटी फिजियोलॉजिकल फैक्टर में। तो मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी मसल्स और जॉइंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इनेबल्स मसल्स टू मूव एट फास्टर रेट एंड कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस अगेन एक पार्ट है आपकी स्पीड को जो इफेक्ट करता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का, फिजिकल फिटनेस का, जो कि आपकी स्पीड, अगर जितनी ज़्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट यानी कि जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी किस में होगी स्टूडेंट, एक जो लीनियर बॉडी होगी, स्लिम बॉडी। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि स्टूडेंट जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी, उतना ही कम उसका वेट होगा। अदरवाइज अगर बॉडी फैटी है, ओबेस है, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक क्या होगी स्टूडेंट, स्लो होगी। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लीनियर बॉडी में जो स्लिम बॉडी है उसमें ज़्यादा होगी, रेंज ऑफ मूवमेंट उसका ज़्यादा होगा, तो देन उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वंस अगेन प्रभावित करती है आपके स्पीड को। देन नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन, बायोकेमिकल रिवर्सेस एंड मेटाबॉलिक पावर। फॉर मैक्सिमम स्पीड परफॉर्मेंस द मसल्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ए वेरी हाई रेट ऑफ कंजप्शन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बायोकेमिकल चेंजेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो केमिकल चेंजेस है, रिएक्शन है हमारी बॉडी में, वो कितने, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसका रेट क्या है, कि क्योंकि जब हम कोई भी स्पीडी वर्क करेंगे तो हमको हाई रेट में क्विक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बिना एनर्जी के तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो क्विक एनर्जी के थ्रू कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही, मेटाबॉलिक रेट प्रोसेस जो है, पाचन क्रिया जो है, वो कितना फास्ट रिएक्ट कर रही है और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है जिससे हम स्पीडी वर्क कर सके। तो ये भी हमारी स्पीड को इफेक्ट कर रही है। फॉर दिस पर्पज एटीपी एनसीपी स्टोर शुड बी इनफ। इफ द स्टोर इज लेस द मसल्स कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू इनसफिशियंट एनर्जी सप्लाई बिकम स्लो आफ्टर ए शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर एटीपी और भी स्टोर नहीं होती हमारी मसल्स में, तो जो हमारा मसल्स का प्रोसेस है, जो एनर्जी की सप्लाई है, वो स्लो हो जाती, जिससे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती प्रॉपर, और परफॉर्मेंस हमारी यानी कि स्पीडी वर्क जो है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो ये था कुछ स्पीड और स्ट्रेंथ से रिलेटेड स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मैं इसको और आपको इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।